हमीरपुर के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं गांधी चौक पर भाजपा का पुतला भी जलाया गया। भाजपा नेताओं द्वारा आए दिन पुलिस कर्मचारियों और आम जनता के साथ डराने व धमकाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं मजोक सुल्तानी पंचायत के उप प्रधान बुद्धि सिंह ने बताया कि आए दिन भाजपा नेता आम जनता व पुलिस कर्मचारियों को डराने व धमकाने का काम किया जा रहा है। भाजपा नेता शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसी के चलते आज भाजपा के खिलाफ रैली निकाली गई और भाजपा का पुतला जलाया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नदौन में भाजपा विधायक द्वारा SHO को धमकाने का मामला सामने आया था। अब उसके बाद सुजानपुर के विधायक द्वारा युवक को थप्पड़ मारने के मामले से कांग्रेसी नेताओं को बैठे बिठाए भाजपा के खिलाफ मुद्दा मिल गया है। यहाँ पे जो रैली और धरना प्रदर्शन यहाँ पे हमने किया, वो आए दिनों जिस तरह से जो BJP के लोगों ने जो गुंडागर्दी मचा रखी है, ये उसके खिलाफ था। क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर एक जो SHO है, जो शासन, जो जिस तरह थाना प्रभारी के ऊपर हाथ इन्होंने हटाया, पुलिस तो लोगों की सेवा के लिए है, अगर उनको ही हाथ उठा दिए जाए तो लोग कहाँ और किसके पास जाएंगे। इस तरह से जो है आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और आपने भी सुना होगा कि जिस तरह से जो यहाँ पे विधायक ने भी जिस तरह से जो हंगामा जो यहाँ पे किया, जो डरा धमका रहे हैं, मैं एक पंचायत प्रतिनिधि के नाते जो पीछे हंगामा हुआ मैं गया हुआ था, और मेरे को भी वहाँ पे डराया गया, धमकाया गया, तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर कोई भी ऐसा सीन होता है तो सबसे पहले वो अपने जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके पास ही जाते हैं, तो मैं भी उसके साथ गया हुआ था और वहाँ पे मेरे को भी डराया गया, तो एक शर्मनाक बात है और एक लोकतंत्र की हत्या है। सभी को अपना मत रखने का अधिकार है और अपनी अपनी सोच से सभी लोग काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ना हो और ऐसा माहौल जो है वो कायम ना करें। अगर ऐसा होता है तो हम जो है ऐसे जो है प्रदर्शन जो है वो लगातार होते रहेंगे। ये तो पुलिस का काम है, ये तो हमारा जो काम है वो हमने किया, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करेगी।